हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसी हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड बीटीएस के सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बीटीएस मेंबर सेविज किंग सुगा की आइडल टाइप ऑफ गर्ल के बारे में। सो, ये वीडियो होने वाली है डिसलाइक वाला पार्ट, कि सुगा को कैसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो इन फ्यूचर कैसी लड़कियों को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे एंड उनको डेट नहीं करेंगे एंड अपनी फ्यूचर वाइफ नहीं बना सकते हैं। सो, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो कि सुगा को एक गर्ल के अंदर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड अगर आप सुगा की आइडियल टाइप के बारे में जानना चाहते हो कि सुगा को किस तरीके की लड़कियां पसंद है और वो इन फ्यूचर में कैसी लड़की को डेट करना चाहेंगे, सो, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैं वहां पर लिंक दे दूंगी। क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट वन एंड पार्ट टू इसी टॉपिक के ऊपर बना रखा है कि सुगा को कैसी लड़कियाँ पसंद है और वो इन फ्यूचर कैसी लड़की को डेट करना चाहेंगे एंड अपनी वाइफ बनाना चाहेंगे। सो, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियोस में क्लियर कर दी है एंड मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि सुगा किसी आर्मी को डेट करेंगे या नहीं, या फिर वो गर्ल कोरिया से ही होनी चाहिए या नहीं, एंड सुगा किस एज में जाकर शादी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने उन दो पार्ट में बना रखी है। सो, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। ओके, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके मेरी एक प्यारी सी फैमिली के मेंबर बन सकते हो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुँच सके। एंड अगर आप मेरे से पर्सनली बीटीएस के बारे में या कोरिया के बारे में कोई भी चीज़ें पूछना चाहते हो, या आपका कोई डाउट है, या आपका कोई ओपिनियन है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, सो, मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर इजीली आ सकते हो एंड अपनी बात मेरे से शेयर कर सकते हो। सो, मैं वहां पर सभी की रिप्लाई करती हूं। ओके, एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है सारी गूगल के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू एंड बीटीएस के फैन साइन के थ्रू बताई जाती है। सो, इन फ्यूचर अगर कोई भी चीज़ें चेंज होती है तो आप ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि किसी भी इंसान की पसंद और नापसंद तो हमेशा चेंज होती ही रहती है। ओके, सो, इसी के साथ चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सो, फर्स्ट ऑफ ऑल सुगा ने अपनी आइडल गर्ल में मेंशन करा कि मुझको ना नॉटी गर्ल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद एंड मैं चाहता हूँ ना कि मेरी आइडल गर्ल हो या फिर मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड या वाइफ हो, सो, वो भी नॉटी ना हो, क्योंकि मुझे नॉटी गर्ल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन इज़, तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपने सुगा की आइडल टाइप वाला पार्ट देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि सुगा ने बोला था कि मुझको एक ऐसी लड़की पसंद है जो कि उसको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हिप हॉप को पसंद करे एंड मैं कोई भी गाना बनाऊँ तो वो उसको इन्जॉय करे। सो, इसी से ही रिलेटेड सुगा ने ये चीज़ बोली कि अगर उस गर्ल को म्यूज़िक नहीं पसंद एंड उसको हिप हॉप नहीं पसंद, सो, मुझे वो गर्ल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। और उस कल को हिप हॉप एंड म्यूज़िक तो पसंद होना ही चाहिए जिसको मैं प्रेफर करूँ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ। सो, इसीलिए सुगा ने बोला अगर उस कल को म्यूज़िक नहीं पसंद या हिप हॉप नहीं पसंद, सो, मैं उसको प्रेफर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ओके, सो, नेक्स्ट वन इज़, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे सेविज किंग मीन योंगी को सोना कितना ज़्यादा पसंद है। सो, उनसे कभी भी पूछा जाता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ 3 वर्ड्स में, तो सुगा यही बोलते हैं, वर्क, स्लीप एंड ईट। सो, आपको भी ये बात तो पता ही होगी कि हमारे सुगा को सोना कितना ज़्यादा पसंद है। सो, इसी से ही रिलेटेड चीज सुगा ने बोली कि अगर किसी लड़की को सोना नहीं पसंद है, उसको नींद नहीं अच्छी लगती है, देन मुझे वो गर्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो, इसीलिए सुगा ने बोला अगर उस गर्ल को सोना नहीं पसंद है देन मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। सो, दोस्तों, मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस गर्ल्स को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं बताऊँ तो मुझको भी ना सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा ही सोती हूँ। सो, आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को भी सोना पसंद है।
ओके सो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं. सो ओके नेक्स्ट वन इज, जो कि शुगर ने बताया कि मुझको ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गर्ल्स जो होती है ना वो मुझको बिल्कुल भी नहीं पसंद. सो अगर कोई गर्ल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो. ओके सो नेक्स्ट वन इज, सो नेक्स्ट सुगा ने बोला कि मुझको ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद जिनका ना नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि वो बिना बात के एटीट्यूड दिखाती रहती हैं और कोई चीज़ होती ही नहीं है उनके अंदर. सो सुगा ने बोला ऐसी गर्ल मुझको बिल्कुल भी नहीं पसंद. अगर ऐसी गर्ल कोई है देन मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा एंड मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी आइडल गर्ल में, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड या फिर फ्यूचर वाइफ में ये सारी चीज़ें हो. ओके सो नेक्स्ट वन इज, सो जैसा कि मैंने आपको जो सुगा की आइडियल टाइप वाला पार्ट है उसमें भी बताया था तो आपको मालूम होगा कि मैंने बोला था कि सुगा को एक ऐसी लड़की पसंद जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल गर्ल हो एंड मैं उसी को प्रेफर करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल गर्ल होगी. सो इसी से ही रिलेटेड ये चीज़ सुगा ने बोली कि अगर वो गर्ल सिंपल नहीं है देन मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा एंड चाहता हूँ मैं कि जो मेरी फ्यूचर में गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ बने वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो. अगर वो गर्ल ऐसी है देन मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा. ओके सो नेक्स्ट वन इज, तो दोस्तों जैसा कि मैंने सुगा की आइडल टाइप में भी बताया था कि सुगा ने बोला कि मुझको एक ऐसी लड़की चाहिए या मुझे पसंद है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो कभी भी गिव अप ना करे, वो हमेशा हार्ड वर्क करे. देन इसी से ही रिलेटेड सुगा ने ये चीज़ बोली कि अगर वो गर्ल हर टाइम गिव अप कर देती है, वो किसी भी चीज़ को ट्राई करने की कोशिश नहीं करती है, वो थोड़ी सी मेहनत करके उस चीज़ को गिव अप कर देती है, तो वो लड़कियाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. मुझको ऐसी लड़कियाँ पसंद है जो कि जल्दी गिव अप ना करे, वो हमेशा अपने लाइफ में स्ट्रांग बन के रहे. सो अगर मेरी आइडल गर्ल में ये चीज़ होती है, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देती है किसी भी चीज़ को लेके, देन मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा या अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊँगा. ओके ओके सो नेक्स्ट वन इज, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको जो सुगा की आइडल टाइप वाला पार्ट है उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि सुगा को एक ऐसी लड़की पसंद है या फिर वो चाहते हैं कि मेरी लाइफ में है जिसको गुस्सा ना थोड़ा कम आता हो, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है हमारे जो सुगा है कभी कभी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं तो उनको संभालना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो इसी से ही रिलेटेड ये चीज़ सुगा ने बोली कि मैं चाहता हूँ कि वो भी जो भी कल मेरी लाइफ में आए उसको गुस्सा ना थोड़ा कम आता हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है. सो अगर उसको भी गुस्सा ज़्यादा आता होगा एंड मुझे भी, तो हमारे बीच में ना अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाएगी और हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं चल पाएगा. सो इसीलिए ही सुगा ने ये चीज़ बोला कि मुझको ऐसी लड़कियाँ नहीं पसंद जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी वो आइडल गर्ल में भी ये चीज़ हो कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली हो. तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो कि सुगा को किसी भी गर्ल में पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि मेरी आइडल गर्ल में ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी ना हो. ओके तो दोस्तों मैं लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप ना जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो. सो अगर आप BTS की किसी भी आइडल गर्ल की तरह बनना चाहते हो, किसी भी मेंबर के आइडल गर्ल की तरह, सो आप बन सकते हो, बट उसमें कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें अब्सॉर्ब करो. जस्ट लाइक अपनी केयर करो, अपने आप को पसंद करो एंड आप हार्ड वर्क कर सकते हो अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए. सो अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही है, अगर वो नेगेटिव चीज़ है एंड आप अपने आप को फोर्स करे रहे हो देन वो चीज़ अच्छी नहीं है. आप अपने आप से प्यार करो क्योंकि आप जैसे भी हो आप बहुत अच्छे हो. आप किसी और के लिए अपने आप को चेंज मत करो. ओके बट हाँ, आप पॉजिटिव चीज़ें जरूर ऑब्जर्व करना, जैसे अपने लाइफ पर फोकस कर सकते हो एंड अपने ड्रीम्स पर. ओके एंड साथ ही आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं नेक्स्ट डिसलाइक वाला पार्ट किस मेंबर के ऊपर लेके आऊँ. ओके सो साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर ले ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुँच सके. एंड आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, आप वहाँ से जाकर मेरे को DM कर सकते हो, मैं वहाँ पर सभी का रिप्लाई करती हूँ. ओके
एंड अगर आप BTS के किसी और मेंबर की आइडल गर्ल के बारे में जानना चाहते हो या उनके डिसलाइक के बारे में, देन आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने इस वीडियोस का भी लिंक दे दिया है, देन आप वहाँ पे इजीली जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हो। सो ओके, इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ दोस्तों। ओके।